Hello friends, this is Anupama Varma. Welcome back to my channel. Today I am going to share a healthy recipe with you that is going to be a soup recipe. And the soup which we are going to make today is sweet corn soup. And that too in a soup maker. So let's get started. If you are new to my channel, like, share, subscribe to my channel and hit the bell icon next to the subscribe button so that you will be get notified whenever I upload my new videos. सबसे पहले हमें इसमें चाहिए होगा 1 कप कॉर्न, ब्लैक पेपर, ये कुछ बारीक कटे हुई सब्जियां हैं लाइक बीन्स एंड अनियन, और आप इसके अंदर गाजर भी डाल सकते हैं. दिस इज़ कॉर्न फ्लावर एंड सॉल्ट. तो ये बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होंगी इस सूप को बनाने के लिए. दिस इज़ माई फिलिप्स सूप मेकर, और इसके लिए ओबियसली वी नीड अ वाटर. दिस इज़ माई फिलिप्स सूप मेकर, और इसके ऊपर ये कुछ मोड्स हैं जिस पे ये लाइट ब्लिंक कर रही है. दिस इज़ फॉर स्मूथ सूप, बिल्कुल जैसे हम टोमेटो सूप बनाते हैं उसके लिए हमें बिल्कुल स्मूथ सूप चाहिए होता है, तो हमें इस वाले मोड पे बनाना होता है. एंड दिस इज़ फॉर चंकी, एंड दिस इज़ फॉर कोल्ड सूप्स एंड स्मूदीज, एंड दिस इज़ फॉर ब्लेंडर. तो सबसे पहले ये दिस इज़ अ ब्लेंडर. सी देयर आर टू वाटर मार्क्स, लेवल्स आर मेंशनड ओवर हियर, लो एंड हाई, दे आर टू मार्क्स मैंशन इन द सूप मेकर. तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सबसे सारे इन्ग्रीडियंट्स को हमें इसके अंदर मिक्स करना है. सबसे पहले हम इसके अंदर कॉर्न डाल देंगे. देन एड ऑल योर वेजीज, हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट और टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. Salt can be adjusted later also, so I am adding less salt into this. Black pepper and obviously water goes into this recipe. So I have added enough water up to the maximum level. See, this is the level and I have added up to the mark. And I haven't added corn flour yet. So ab hum isko kya karenge? We will close the lid. सेलेक्ट द चंकी मोड, क्योंकि स्मूथ नहीं होता ये वाला सूप बिल्कुल. प्रॉपर चंक्स थोड़े से अच्छे लगते हैं कॉर्न सूप में. सो आई विल सेलेक्ट द चंकी मोड. सेलेक्ट द मोड एंड आई हैव सी देयर आर लाइट्स. दिस इज मोड बटन लाइक दिस. दिस इज फॉर स्मूथ सूप, दिस इज फॉर चंकी, दिस इज फॉर स्मूदीज, एंड दिस इज फॉर कोल्ड सूप, एंड दिस इज अ ब्लेंडर. सो आई एम सेलेक्टिंग chunky mode and then start. See, the light has stopped blinking, और अब मैं इसे off करके इसको एक बार open करके देख लेंगे हम. It's very hot, so be careful. ये देखिए, ये इसको बहुत अच्छी तरह से अभी बन गया है. अभी इसको मैं दोबारा से एक बार और ऑन करूंगी. अगेन आई विल सेट द सेम मोड एंड स्टार्ट. अब की बार जब सूप बनेगा द सूप बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाएगा. अभी देखिए लाइट ब्लिंक हो रही है. व्हेन लाइट स्टॉप्स ब्लिंकिंग आवर सूप इज रेडी. सो सी फ्रेंड्स, लाइट हैज स्टॉप ब्लिंकिंग और सूप बन के रेडी हो गया है. Can blend a little. Now our soup is ready. See, तो फ्रेंड्स ये सूप बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, और ये बहुत ही अच्छा बना है, हेल्दी है बहुत ही ज्यादा, और इसके अंदर टाइम भी नहीं लगा. वेरी यम्मी टू. सो प्लीज ट्राई दिस रेसिपी, एंड इफ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज do share, like, share and subscribe to my channel, and see you in my next video. Till then, bye bye.